अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कपकेक की रेसिपी। इतनी चीज़ों में हमारे कितने कपकेक बन सकते हैं ये आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने 3 अंडे डाले हैं जूसर में और ये 1 कप मैंने चीनी डाली है और यही वाला कप हम आधा कप ऑयल डालेंगे। हमने तकरीबन जूसर को 2 मिनट तक चलाना है। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है आधा कप, ये वही वाला कप है जिससे मैंने चीनी डाली थी, उसी कप से मैं ऑयल भी डाल रही हूँ और इसी कप से हम मैदा भी डालेंगे। अब आधा कप दूध डालेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो केक का बैटर है ये तैयार हो चुका है। बाकी चीज़ें अब हम बाउल में इसके साथ मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। हम 3 कप मैदा डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। इसके साथ ये होता है कि हमारा जो बैटर है बहुत ही अच्छे से बन जाता है। एक साथ डालेंगे तो हमारा जो बैटर है ये अच्छे से नहीं तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है ये तैयार हो चुका है। 1 चुटकी फूड कलर डाल रहे हैं और इसके बाद हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। टूटी फ्रूटी को मैदा लगाना है। मैदा लगाएंगे तो ये जो हमारी टूटी फ्रूटी है ये केक में बैठेगी नहीं। ये मैदा आप ज़रूर लगाया करें ताकि ये जो हमारी टूटी फ्रूटी है ये केक में बैठी नहीं। और आप देख सकते हैं मैंने शॉपर में डाल दिया है सारा बैटर और इसी से मैं डाल रही हूँ कप में। थोड़ा सा मैंने बैटर अलग किया था, उसके साथ मैंने कोको पाउडर मिलाया है और आप देख सकते हैं मैंने कुछ इसी तरह तैयार किए कप। अब हमने पतीला गर्म किया है तकरीबन 5 मिनट पहले मीडियम आंच पे और मैं आप देख सकते हैं ये केक टिन रख रही हूँ और इसको हम 30 मिनट बाद चेक करेंगे। मैं तकरीबन 30 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कपकेक बहुत अच्छे बने। और आंच का बहुत ख्याल रखें, आंच तकरीबन 1 इंच तक होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारे जो 3 अंडे और 3 कप मैदे से 24 कपकेक बने। और अगर आप लोग को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।